नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बिडी में आप सभी का स्वागत है। ये एक क्विक अपडेट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के मार्च अपडेट के बारे में। यहाँ पे सैमसंग ने मार्च में एक अपडेट डाला है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्च का जो अपडेट है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A50 में आ गया है। और यहाँ पे जो अपडेट है 437.98 MB का अपडेट है और इस अपडेट में सिक्योरिटी पैच लेवल है मार्च का और उसके साथ साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट इंप्रूवमेंट के लिए भी अपडेट दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसको अपडेट करने के बाद फिंगरप्रिंट एक्चुअल में कितना इंप्रूव होता है और फिंगरप्रिंट एक्चुअल में थोड़ा फास्ट होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपडेट के बिना फिंगरप्रिंट कितना फास्ट चल रहा है या फिर कैसा चल रहा है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा अपडेट के बाद क्या ये एक्चुअल में फास्ट हुआ है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और फोन अपडेट किए बिना यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो फिंगरप्रिंट काम तो कर रहा है लेकिन ठीक ठाक काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पर नहीं है। तो फिंगरप्रिंट खुल तो जा रहा है, कभी कभी यहाँ पर खुल ठीक से नहीं रहा है और कभी कभी थोड़ा स्लो काम कर रहा है और कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगा रहा है। तो देख सकते हैं फिंगरप्रिंट यहाँ पर बराबर ठीक ठाक काम कर रहा है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम, कभी कभी थोड़ा कम टाइम ले रहा है। तो चलिए इसको अपडेट कर लेते हैं हम लोग। इसका जो मार्च का अपडेट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मार्च का अपडेट दिया गया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे द परफॉर्मेंस ऑफ द फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन हैज़ बीन इम्प्रूव यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे इस अपडेट के बाद हमें उम्मीद है कि फिंगरप्रिंट थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट प्रोसेस शुरू हो गया है और अपडेट के बाद हम लोग देख लेंगे फिंगरप्रिंट कितना फास्ट हो गया है। तो दोस्तों अपडेट हमारा कंप्लीट हो गया है और अपडेट के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट को अनलॉक कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा फास्ट फिंगरप्रिंट हो गया है। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लगाने के तुरंत बाद ये झट से अनलॉक हो जा रहा है और यहाँ पर जब टोटल डिस्प्ले ऑफ रहते हैं तब भी अगर आप देखेंगे तो तब भी यहाँ पर थोड़ा रिकॉग्निशन फास्ट हो गया है। तो पिछले वाले मुकाबले यहाँ पर थोड़ा फास्ट हो गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाने से तुरंत अनलॉक हो जा रहा है, थोड़ा फास्ट तो मुझे लग रहा है, थोड़ा फास्ट यहाँ पे हो गया और आप लोग देख भी सकते हैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे तुरंत लगाने के बाद ही देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जा रहा है। टोटली डार्क डिस्प्ले में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगाने से अनलॉक टोटली हो जा रहा है। और अगर आप डिस्प्ले को वेक करके लगाते हैं तो और ज़्यादा फास्ट यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले वेक करने के लगाने के बाद यहाँ पर कितना फास्ट ये अनलॉक कर पा रहा है। तो डिस्प्ले तो थोड़ा फास्ट हो गया है और हमें उम्मीद है कि सैमसंग इसी तरह का और भी नए अपडेट लाएगा और इससे वजह से फिंगरप्रिंट और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट अपडेट से मैं तो काफ़ी खुश हूँ सैमसंग के इस अपडेट से, फिंगरप्रिंट वाकई में थोड़ा फास्ट हो गया है। लेकिन एक मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं इसको बहुत बार टेस्ट कर रहा था तो कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि कभी कभी ये ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फिंगरप्रिंट बहुत देर लगाने के बाद ही अनलॉक कर रहा था, कभी कभी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद ये नॉर्मल हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो, फिंगरप्रिंट को अपडेट करने के बाद ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत ना भी खुले, थोड़ा बहुत अनलॉक ना भी करे। लेकिन इसको थोड़ा ट्राई कीजिए और उसके बाद देखिएगा कि आपका फिंगरप्रिंट सच में फास्ट हो गया है। और मैं तो यहाँ पे अभी बार बार देखता भी नहीं हूँ और यहाँ पे फिंगरप्रिंट टच करके डायरेक्ट अनलॉक कर देता हूँ। जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पर देख भी नहीं आ रहा हूँ और यहाँ पर टैप करने से ही यहाँ पर अनलॉक हो जा रहा है। तो काफ़ी फास्ट मुझे तो लग रहा है और वाकई में काफ़ी फास्ट बन गया है और मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी फिंगरप्रिंट इससे इंप्रूव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा अपडेट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अगर आप इसी तरह का सैमसंग का अपडेट वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आगे भी और भी ऐसे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। और मिलते दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।